आपको एक वीज़ा बताएंगे जिसमें ओरिजिनल वीज़ा रहेगा और क्लियर बताएंगे कि चेक करने के लिए कि मतलब किस तरह चेक किया जाता है कि सऊदी अरबिया का वीज़ा असली है, नकली, ओरिजिनल या डुप्लीकेट। आपको एक वीज़ा का सैंपल दिखाएंगे, वाकई वीज़ा उसी तरह रहता है जिसमें से एक एप्लीकेशन नंबर होता है, जिस एप्लीकेशन नंबर के जरिए समझे आप क्लियर कर सकते। एक सैंपल है यहाँ पे, ईस जो दिख रहा है समझे, ईस E23 जो दिख रहा है आपको, ये मान के चलिए इसी तरह रहता है नंबर। मान के चलिए कोई एजेंट आपको बोलेगा आपको वीज़ा आ गया है, पैसा भर दो 40-50 हज़ार। बहुत ठगी हो रहा है मार्केट में, इतना ठगी हो रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। और आप इस तरह का फर्जी वीज़ा देख के आप उसको पैसा दे देंगे 40-50 हज़ार, तो इसको आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आप नकली है या असली। ये सैंपल है, ये समझे ओरिजिनल ये नहीं है, ये नेट से डाउनलोड किया हुआ ये सैंपल है। हालांकि हमारे पास दूसरा वीज़ा है जिसका इससे उसका नंबर थोड़ा कुछ दूसरा है, और उस नंबर से हम सिर्फ पता कर सकते हैं कि वीज़ा असली है नकली है। तो चलिए आपको वेबसाइट में लेके चलते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे डेट उठ रहता है, यहाँ डेट रहता है, पासपोर्ट नंबर यहाँ रहता, कितना दिन का है यहाँ रहता, और एक दो नंबर इधर रहता। लेकिन ये जो नंबर रहता है, इसे जो स्टार्टिंग रहता है वो एप्लीकेशन नंबर रहता। चलिए तो आपको वेबसाइट में लेके चलते हैं, वहाँ से क्लियर टू कट पता चलेगा कि असली की जाए या यहाँ से आपको ये जो वेबसाइट दिख रहा है visamofa.gov.sa ऐसे मतलब सऊदी अरबिया, यहाँ पे जो दिख रहा है ऊपर में जो वेबसाइट दिख रहा है visamofa.gov.sa, यही वेबसाइट आपको सर्च करना है यूट्यूब में, ठीक है। और ये सर्च कर लेने के बाद आपको नीचे यहाँ पे बाकी डाटा भर देना है, एप्लीकेशन नंबर जो भी है, यहाँ पे आपको वीज़ा एप्लीकेशन सेलेक्ट करना, ठीक। इसके बाद यहाँ पे दिख रहा है एप्लीकेशन नंबर मांग रहा, एप्लीकेशन नंबर मांग रहा, यहाँ पासपोर्ट नंबर मांग रहा, और यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है कैप्चा उस सबको फिल कर देना। तो चलिए फटाफट से हम फिल कर लेते हैं। एक एप्लीकेशन नंबर है हमारे पास, एक पासपोर्ट नंबर भी है, जिसके जरिए हम पता कर सकते हैं कि मेरा वीजा असली है या नकली है। मैंने कैप्चा देख लीजिए, फिल कर लिया है, सर्च पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए वीजा हैज बीन इश्यू नंबर तो सब शो हो रहा है, वीजा इश्यू नंबर शो हो रहा है, और बाकी का डिटेल्स भी आपके शो हो रहा है, जिससे कि यहाँ पे ठीक है। और तो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे रहता है, अगर आपका नकली रहेगा तो यहाँ पे एरर बता देगा। यहाँ पे पासपोर्ट नंबर रहता है, यहाँ पे कैंडिडेट का फोटो रहता है, इधर बाकी डिटेल्स रहता है। मुंबई में दो जगह से वीज़ा इशू होता है, मुंबई पे और एक दिल्ली पे, और
कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ रहता है, एड्रेस रहता है, एक डॉक्यूमेंट नंबर रहता है, दोस्तों इतना चीज रहता है। अगर असली रहता है तो ऑनलाइन में इस तरह शो होता है, नकली रहता है तो वहाँ पे एरर बताता है।